ओके सर, चलो भाई, नाइस टू मीट यू। चलो सो पूरा रात स्टारबक्स में बिताया। आई गेस द एंटायर नाइट वाज हियर इटसेल्फ, राइट? एनीवेज तो फिर चलते हैं अभी। एनीवेज थैंक यू, होप टू सी यू सून, स्टे सेफ, बाय बाय। पहुँच चुके जीजू और दीदी, तो पूरा रात स्टारबक्स में था, नो होटल नथिंग। अच्छा खासा स्टारबक्स में पैसा भी चले गया, ऐसे तो बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे थे, और लाइक कुछ ना कुछ नहीं, इट वाज ऑल यू नो ब्लैक कॉफ़ी, नथिंग एल्स, बिकॉज दूसरा कुछ खा नहीं सकते, ऑफ डाइट जा नहीं सकते। शायद से आई गेस किस्मत भी यही चाहता है कि मैं ऑफ डाइट ना जाऊँ, तो KFC बंद था, मैकडी बंद था, सबवे भी बंद था, सो हैड टू कम बैक एंड सिट ओवर स्टारबक्स इटसेल्फ, और फिर इस पर मैंने ब्लैक कॉफ़ी लिया और सैंडविच लिया था मैंने, सैंडविच लिया बिकॉज आई वाज फीलिंग टू हंग्री। अभी चलते, फाइनली जीजू एंड दीदी पहुँच चुके हैं एंड दे बॉट एक्स फॉर मी ब्रेकफास्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक का मैं, सच कहा जाए तो अभी तक मैं ऑफ डाइट गया ही नहीं, खाली सैंडविच आई गेस एक, दैट वॉज समथिंग जो मैं ऑफ डाइट किया था, बाकी एवरीथिंग इट्स ऑन डाइट। भले ट्रैवल कर रहा हूँ, लाइक पूरा रात आई वॉज लाइक भूखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्लैक कॉफ़ी उसी के साथ मैंने गुजारा है, बट हैप्पी, थैंक्स टू जीजू एंड दीपकबा, दे बॉट एग्स फॉर मी, बॉइल्ड एग्स, सो मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। एंड अभी जाके मैंने अपना लगेज खोला है, उस पर टम्बलर, वे, ओट्स, जो मैंने अपना खाना लाया था वो उधर ही है, अंडा। हैशटैग डेफिशिएंट लाइफ अगेन, नॉट पैसे वाला, जिम वाला, हाँ पैसे में भी डेफिशिएंट ही चल रहा है, गरीब है हम लोग, क्या करें, गरीबी लाइफ, देते नहीं है कुछ, एक ही क्या साला, राइट, एक ही साला कंट्रोल है बहुत। नहीं नहीं नहीं, मैं खाने का सामान लेके क्या ही फायदा जब नहीं खा सकता हूँ। मजाक कहीं तंदूरी नहीं मिला, वरना मैं रात को तंदूरी खाता। मैं तंदूरी ना मिलने की वजह से मैं सोचा इसमें मैकडी में जाता हूँ, मैकडी में जाके वो ले लूँगा, क्या होता है फ्राइड चिकन छोटा सा, KFC भी बंद हो चुका है, KFC में भी क्या, KFC भी बंद। बट हाँ एक चीज़ मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं ये सब नहीं मिला ना, मेरा डाइट पूरा सही चला, लाइक ब्लैक कॉफ़ी वोंट नेवर हार्म यू, सो स्पेंड आई कैन से एन एंटायर नाइट इन स्टारबक्स। अमीरों वाली जिंदगी देख रहे हो, एनीवेज जोक्स अपार्ट, फ्लाइट हम लोग का वापस जो है दैट इज़ 9:45, 8:55 से बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। राइट नाउ द टाइम इज 6:09, आई होप यू कैन सी, 10 समझ लो, जाएंगे आराम से 6:30 तक का ऊपर जाएंगे, चेकिंग वेकिंग करेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। जीजू हमारे गए थे मैकडी देखने, खुला है या नहीं, है ना, 7 बजे खुलेगा मैकडी और KFC, गए थे मैकडी और KFC देखने के लिए, लेके आए हमारे लिए प्रोटीन बार्स, क्योंकि हमारे साले साहब जो है वो हेल्थ कॉन्शियस है बहुत, ओके अभी तो चल रहा है क्योंकि हम जानते हैं हेल्थ का इम्पोर्टेंट कितना है। लास्ट 4 वीक्स, ये नहीं अभी 3 वीक्स बाकी है, 1 वीक हो गया, नहीं सॉरी ये 1 वीक आपका संडे को ख़त्म होगा, फिर 3 वीक्स बाकी रहेगा इंशाल्लाह, जो टारगेट दाढ़ी में रखा है इंशाल्लाह सब 3 वीक्स लेफ्ट टू गो। आज थोड़ा गड़बड़ हो गया है खाने को लेके, यस्टरडे एंड टुडे, आज भी थोड़ा गड़बड़ होगा, पर उसके बाद इट्स फाइन, बाकी 3 वीक्स पूरा लगा देंगे जोर। थैंक्स जीजू फॉर दिस, आई होप भैया मना नहीं करेंगे खाने के लिए, सॉरी खा लूँगा मैं, भैया को ऑब्वियसली पूछना पड़ेगा, बिकॉज नहीं खाओगे तो मुझे, मैं नाराज़ हो जाऊँगा, खाओगे तो फिर भैया नाराज़ हो जाएंगे, हाँ वही बात है, अब फंस गया, कोई बात नहीं, इसको रखेंगे, वैलिडिटी है तो आराम से, तो कोई बात नहीं, इसको भैया को पूछेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं भैया को पूछ लेता हूँ। इवन व्हेन आई वाज कमिंग फ्लाइट में, मम्मा ने, मैंने आप लोगों को जैसे पहले बोला है कि मील मम्मा ने ऑलरेडी रखा हुआ था, तो
तो मैंने भैया को पूछा भैया ऐसा ऐसा, तो भैया ने बोला कोई बात नहीं एक खा लिया तो इट्स फाइन, नेक्स्ट वाले में मत खाना। तो आई यूजुअली आस्क एवरीथिंग टू भैया एंड देन मैं वो चीज़ करता हूँ, बिकॉज यू नो उनसे जब पीटी ले रहा हूँ और वो जब अपना एफर्ट्स दे रहे, फिर इवन आई हैव टू यू नो फॉलो हिम। अगर मैं नहीं करूँगा, इफ़ आई लैक समवेयर देन ही इज़ गिविंग हिज 100% एंड अगर मैं कहीं लैक करता हूँ तो फिर उनका 100% वोंट बी यूजफुल। तो इसीलिए ऑब्वियसली आई हैव टू आस्क हिम। एनीवेज थैंक्स जीजू फॉर दिस प्रोटीन बार्स। ओके मैक्स प्रोटीन। भैया को जस्ट नाउ मैंने पूछा है भैया कैन आई ईट दिस, लेट्स सी भैया क्या रिप्लाई देते हैं। प्रिंस बोया चलो लेट्स सी क्या रिप्लाई देते हैं। नो नहीं होना चाहिए बस। हाँ भैया ये बोलेंगे कि लाइक शायद से ऐसे बोलेंगे एक खा सकते हो या समथिंग ऐसा, आई होप वो बोले। पर ये ज़रूर बोलेंगे कि कुछ ही हफ्ता बाकी है। जितने बार भी मेरे भैया को मतलब जितने कॉल करता हूँ पूछने के लिए, भैया एक ही बात बोलते हैं कुछ ही हफ्ता बाकी है अपने लिए कर रहे हो। दैट्स ट्रू, कुछ ही हफ्ता बाकी है। जब इतना 2 महीना मैंने पार कर लिया तो लाइक लास्ट 1 मंथ अगर उस पर अगर इधर उधर कर दिया तो इट्स माई लॉस, भैया का कुछ नहीं है। चलो अपडेट देते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे बात पर, तो इसी बात पर सब्सक्राइब कर दो। चलो सो फाइनली यहाँ बोलेंगे जीजू को अलविदा। ओके जीजू अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखिए अपना, अपना ख्याल रखो। ज़रूर ज़रूर ठीक है। तो एनी वेज इधर से जीजू को बोलेंगे अलविदा, अब्बू जी को मेरा सलाम दीजिएगा, घर पे सबको मेरा सलाम दीजिए। तो यहाँ से अभी हम लोग घुसेंगे अंदर, आप लोग को बात करना है कर लो, मैं लाइन लगाता हूँ ठीक है। लेट मी गिव देम सम पर्सनल टाइम, आप 3 बार मिले फिर मिलेंगे 2-3 महीने के बाद। ओके एनी वेज लेट देम टॉक, चलते आगे चलो। अल्लाह हाफिज़ जीजू। हाँ सर, हाँ सर मैं ऑफ़ करता हूँ। सो कैमरा अलाउड नहीं है तो ऑफ़ करना होगा, ऑफ करते चलो। फाइनली चेकिंग डन, बोर्डिंग पास ले लिया, लगेज कार्गो में दे दिया, वेटिंग फॉर द फ्लाइट। टाइम हो रहा है आपका 7:43। One hour later. So finally checking done, boarding pass ले लिए, cargo में सामान दे दिए। अभी we are sitting in front of the gate number, 8:55 को boarding start होगा। So that is the thing, waiting for the boarding and then we'll head back to home. कल से बहुत ज़्यादा hectic जा रहा है मेरा, I didn't took rest, but हाँ flight में पूरा सोके जाने वाला हूँ, पूरा सोके जाने वाला हूँ। Finally boarding done, फ्लाइट भी बैठ चुके हैं। मैं इतना ज़्यादा टायर्ड था कि आफ्टर दैट आई कुडंट ब्लॉक, मैं सो गया था उधर। आई बॉट हर सम बर्गर किंग का स्टफ, उसने बर्गर एंड ऑल ये सब खाया। आई वॉज वॉचिंग हर बिकॉज आई कॉन्ट ईट। एनी वेज बहुत ज़्यादा टायर्ड है, अभी तो मैं लिटरली सोने वाला हूँ, मैं सो जाऊँगा तो सीधा मिलता है गुवाहाटी से। फाइनली रीच होम, गुवाहाटी पहुँच गए आफ्टर सच अ लॉन्ग हेक्टिक यू नो जर्नी। या ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यू नो ये वाला जो मेरा ट्रैवल था, यानी एक्चुअली ये तो लाइक काम से गया था लाइक दीदी को पिक करने के लिए फिर वापस, दैट्स ऑल बिकॉज मेरी दीदी एक नहीं वो 2 में है, तो ऑब्वियसली शी नीड सम यू नो गाइडेंस और असिस्टेंस विद हर। सो इसीलिए मैं इधर से गया था, बिकॉज जीजू इज नॉट हैविंग दैट मच टाइम कि वो गुवाहाटी आई ड्रॉप करें फिर जाए, तो इसीलिए मैं इधर से गया था। इट वॉज क्वाइट यू नो हैक्टिक फॉर मी, बिकॉज द मेन रीज़न मेरे लिए हैक्टिक होने का रीज़न यही है क्योंकि मेरे को खाना पीना सही से नहीं मिला था। दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई फेस्ड एंड अब तो कसम खाया हूँ कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा प्लान करूँगा राइड एंड ऑल कुछ भी रहेगा, भैया को बोल दूँगा मेरे को नहीं करना है डाइट, मैं कसम से नहीं करूँगा। मैं इस बार मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है and I don't want that thing to happen with me again, क्योंकि मेरा सर अभी इतना गंदा दर्द कर रहा है। एंड when I was there in that COVID testing center, तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि लाइक मुझे चक्कर आने जैसा हो रहा था, बिकॉज कुछ नहीं है सुबह से, पेट में कुछ नहीं है। वो सुबह जो अंडा खाया था वही है, एग वाइट, वो भी एग वाइट खाली, नॉट दैट योक पार्ट, खाली एग वाइट पानी उसी के साथ। मैं अभी तक का हूँ, राइट नाउ आई गेस इट्स 2 बज चुका है, कुछ नहीं गया है पेट में क्योंकि है ही नहीं कुछ, ऐसा लिया भी नहीं गया और एयरपोर्ट में वो सब मिलता भी नहीं है जो भैया ने बोला था। I didn't wanted to go off diet because कुछ ही दिन बाकी है तो इसीलिए कर लेता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज़ नहीं कंटिन्यू करूँगा। आई नो भैया मेरा हर एक ब्लॉग देखता है,
भैया आई एम सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं कर पाऊँगा बिकॉज बहुत ज़्यादा इस बार मैंने प्रॉब्लम फेस किया बहुत ज़्यादा एंड मुझे ये चीज़ दोबारा नहीं चाहिए। मैं तो नेक्स्ट टाइम से अगर मैं डेफिशिएंट मेरा कुछ भी रहा मैं तो अपना नॉर्मल खाने वाला हूँ। ज़रूरत पड़ा आके फिर वापस दो महीना कर लूँगा, एक महीने की जगह एक हफ्ते की जगह एक महीना कर लूँगा, प्रॉब्लम नहीं है। बट खाने के साथ नेक्स्ट टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जस्ट थिंक मैं ऐसा हो गया कि लाइक मैं स्टारबक्स में बैठ के ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरा कुछ खा ही नहीं सकता स्टारबक्स में, तो दैट वाज अ बैड थिंग। अभी फाइनली पहुँच गए गुवाहाटी एंड इधर एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा लगा विच इज़ यू नो रीचिंग गुवाहाटी फिर ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं कोविड टेस्टिंग एंड ऑल को लेके। एक साइड से इट्स गुड आई वोंट से इट्स बैड पर यू नो इफ देर आर सम केसेस यू शुड ऑल्सो सी आफ्टर ऑल दोस थिंग्स। क्वाइट हैक्टिक जर्नी इट वॉज। व्लॉग्स आ जाएंगे दो दिन के अंदर आ जाएंगे, आज जाके पूरा सोने वाला हूँ, कल देखता एडिट करेंगे आराम से बैठ के। सो दैट इज़ द थिंग। सेप्टेम्बर में सिलचर जाने का राइड है एक, सिलचर राइड एक है, लेट मी सी वेदर आई कैन एग्जीक्यूट इट और नॉट। काम से जाएंगे ऑब्वियसली, तो अगर काम से गए तो तब व्लॉग बनेगा ऑब्वियसली। एंड फिर अक्टूबर में हम नेपाल करने वाले, तो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस व्लॉग। दो पार्ट में रहेगा बट उसको एक ही वो करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दो, जितना हो सके उसको शेयर कर दो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर बेयरिंग मी। टिल देन बी पैशनेट, राइड सेफ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।